हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पटियाला सलवार कटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ कपड़े को चार भाग में फोल्ड कर लिया है। हम कपड़े को लंबा ही फोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने खुली भाग हम अपनी साइड रखेंगे और जो हमारी बंद भाग है चारों भाग वो अपोजिट साइड रखेंगे। बंद भाग से हम अपनी मोरी निकालेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले सलवार की लंबाई पर निशान लगाना है। लंबाई पर निशान लगाने के लिए हम यहाँ बेल्ट अटैच करेंगे। इसमें तो बेल्ट के लिए हमें अलग से, यहाँ मैं बेल्ट की लंबाई 6 इंच रखने वाली हूँ। तो मैं 6 इंच पहले ऊपर निकाल कर देखिए इस तरह, और इसके बाद हम सलवार की हमारी लंबाई ले लेंगे। सलवार की हमारी जितनी भी लंबाई है उसमें हम 2 प्लस कर देंगे। मैं यहाँ 38 हमारी सलवार की लंबाई है तो यहाँ पर 40 रख रही हूँ, हमें 2 प्लस करना है। और बेल्ट का जो हिस्सा है हमने वह अलग निकाल लिया क्योंकि हम बेल्ट इसमें अलग से अटैच करेंगे। मैंने यहाँ लंबाई पर निशान लगा लिया है। लंबाई पर निशान लगाने के बाद हम अब हमारी जो चारों खुली भाग है उसमें निशान लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमारे खुले भाग की तरफ लगा रहे हैं, बंद भाग की तरफ हम सिर्फ मोरी का निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ 17 इंच पर निशान लगा लिया है। ये फ्री साइज़ होती है सलवार, तो इसमें अब मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि आपके हर साइज़ में ये फिट हो जाएगी। अगर आपका ज़्यादा ही बड़ा डबल एक्सल साइज़ हो तो फिर आप यहाँ इसमें 2 या 3 इंच और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम मोरी पर निशान लगाएंगे। मोरी पर निशान लगाने के लिए हम यहाँ 8 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अगर आपको मोरी बड़ी चाहिए तो आप इससे 9 या 9.5 इंच तक लगा सकते हैं। हम यहाँ पटियाला सलवार में मोरी का साइज़ छोटा ही रखेंगे ताकि हमें सलवार का घेर ऊपर से ज़्यादा दिखे। तो मैं यहाँ 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ मोरी पर। उसके बाद हमने जो ये 17 इंच पर खुले भाग की तरफ निशान लगाया है और जो मोरी का निशान, उन दोनों को इस तरह तिरछा मिला देंगे। ये खुली भाग की साइड है और यहीं से हम इसे कट कर लेंगे। अब हमारा जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकला हुआ है उसे हम कमर की साइड यहाँ जोड़ देंगे जहाँ खुला भाग है। तो इससे हमारा घेर काफ़ी बढ़ जाएगा और 2 मीटर कपड़े में भी हमारी घेरदार पटियाला सलवार रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही सीधा और सरल तरीका है पटियाला सलवार बनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इसे कट कर लिया है। अब हमारी सलवार का जो खुला भाग है जहाँ हमने 17 इंच का निशान लगाया था, वहीं पर हम ये साइड वाला पार्ट इसे सीधी भाग में जोड़ देंगे हमारी सलवार के चारों कोनों पर। इसे हम अटैच करेंगे। अगर आपको ये सलवार स्टिचिंग का वीडियो देखना हो तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, ऊपर आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर 8 इंच का एक निशान लगा रही हूँ और इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ हमने सलवार की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए मैंने सलवार का ही यहाँ पर साइड से निकला हुआ कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है। हमने बेल्ट का मार्जिन 6 इंच ऊपर निकाला था जब हमने सलवार काटी थी, तो इसमें हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे ताकि हम फोल्ड करेंगे इसको नाड़ी के लिए। तो मैंने यहाँ 8 इंच बेल्ट की लंबाई चौड़ाई ली है। बेल्ट की लंबाई है मैंने यहाँ पर 20 इंच रखी है। 20 इंच ये डबल भाग है तो 20 और 20 40 इंच की हमारा पूरा लंबा बेल्ट रहेगा। इसमें हम अपने सलवार को अटैच करेंगे। ये डबल फोल्ड है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।